हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज डॉक्टर शिल्पी हियर. और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निगलेक्टेड टॉपिक है, जो कि मुंह में जलन का एक ना सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, बट जब हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो हम लोग बात करने वाले हैं आज स्ट्रेस के बारे में. तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो तब हमारे मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन, जो थूक प्रोड्यूस होता है, वो कम हो सकता है. और जब थूक प्रोड्यूस होना कम होने लगता है तो आपका मुंह सूखने लगता है. हो सकता है कि आपको मुंह के अंदर ये महसूस ना हो कि आपका मुंह सूख रहा है, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से मुंह में जलन हो सकती है. और ऐसे केसेस में हम पेशेंट को जब भी मुंह में जलन होती है तो बोलते हैं कि पेशेंट को पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए. इन जनरल भी हम मुंह में जलन जब होती है पेशेंट को बोलते हैं कि उनको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, और पानी जो है वो सिप करके पीना चाहिए, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं लेना चाहिए. दूसरी चीज, जो भी पेशेंट या फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जब एग्जाम का टाइम होता है उनका, उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स में या फिर जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स करते हैं, ऐसे कुछ पेशेंट्स के अंदर मुंह में आप देख सकते हैं कि उनको एग्जाम के टाइम या स्ट्रेस की सिचुएशन के टाइम छोटे छोटे मुंह में छाले होने लगते हैं या फिर छोटी छोटी जगह रेडनेस होने लगती है. तो वो उनको हम लोग एफ्थस अल्सर बोलते हैं, और वो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और भी कॉजेस हैं बट उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस की वजह से वो छोटे छोटे छाले होते हैं जो आपके मुंह में जलन कॉज कर सकते हैं. कभी कभी स्ट्रेस में ये छाले, बड़े छाले हो सकते हैं मुंह में, जो कि नंबर में कम होते हैं. फिर सोर टंग हो सकती है, डीप एपिलेशन देख सकते हैं टंग में. हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो जीभ है उसमें कहीं कहीं रेड एरियाज होने लगते हैं और कुछ एरिया सफेद होते हैं. मतलब हमारी जो जीभ होती है वो मोस्टली खुरदुरी होती है, थोड़ी सी रफ होती है, बट ऐसे केसेस में बहुत सारी जगह हमारी जो जीभ है वो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, या फिर उसके अंदर जो छोटी छोटी लाइंस जो होती है वो थोड़ी डीप हो जाती है, उसकी वजह से भी मुंह में जलन हो सकती है. देन जीभ आपको सुन्न महसूस हो सकती है कुछ केसेस में, क्योंकि ड्राई हो जाती है, सेंसेशन फील होना बंद हो जाते हैं कुछ. देन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो एक GERD करके डिजीज होती है, जिसके अंदर आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है बहुत ज्यादा. सो ऐसे केसेस में जब आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है तो वो भी एक बहुत मेजर कॉज है. आपको बर्निंग हो सकती है मुंह के अंदर GERD में भी. तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जब स्ट्रेस लेते हैं तो गैस्ट्राइटिस बहुत होता है, एसिड रिफ्लक्स बहुत होता है. तो ऐसे पेशेंट में भी स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जब हम इसके मुंह की जलन को रेगुलेट का ट्रीटमेंट देते हैं. देन एक फिर ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि भर सकते हैं मुंह की जलन, जिनमें होती है बट अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो भर सकता है वो. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ओरल लाइकन प्लैनस. तो ओरल लाइकन प्लैनस एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, जिसमें आपकी खुद की जो बॉडी के जो सेल्स जो आपकी इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को फाइट करते हैं, वो आपकी बॉडी में खुद ही अपने आप से लड़ने लगते हैं. अपने सेल्स को फॉरेन रिकग्नाइज करके, बाहर का रिकग्नाइज करके लड़ने लगते हैं. तो इस टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेम ओरल लाइकन प्लैनस में. तो हम लोग कितना भी मेडिसिन दें आपको ओरल लाइकन प्लैनस में, अगर आप अपना स्ट्रेस कम नहीं करते हैं तो कितना भी आप मेडिसिन ले लें, मुंह में जो सफेद दाग हो जाते हैं, सफेद इंटरलेसिंग लाइंस हो जाती हैं, तो वो लाइकन प्लैनस में वो स्ट्रेस के कारण और ज्यादा भर जाती हैं. अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है लाइकन प्लैनस, जो भी हम देते हैं आपको स्टेरॉइड्स देते हैं या टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं लगाने के लिए या फिर खाने के लिए देते हैं, बट अगर आप स्ट्रेस कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे में आपका लाइकन प्लैनस भरने का और ज्यादा चांसेस है, और आपको जो हम दवा देते हैं वो भी काम करना
बंद कम काम करती हैं आपके केस में। देन अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो कुछ ऐसे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंगस होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको कोई भी नुकसान नहीं देते हैं, बट जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी कम होती है तब ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे टाइम में ये आपको मुंह में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियासिस जिसमें बहुत कॉमन होता है, जिसमें सफेद सफेद आपको आपकी जीभ में या आपके बहुत सारे एरियाज में सफेद दाग दिख सकते हैं, ठीक है, तो वो ही आपको मुंह में जलन कॉज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हर्पीज होता है, आपको यहाँ होंठ पे बहुत कॉमनली छाला दिख सकता है जब भी आप स्ट्रेस वाले सिचुएशन में हैं, तो ऐसे केसेस में मुंह में भी छाले हो सकते हैं और आपको उसकी वजह से मुंह में जलन हो सकती है। देन बहुत सारे प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस वो कंडीशन होते हैं जिन जो कि कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस रखते हैं फ्यूचर में, जैसे आपका लाइकेन प्लानस हो गया या फिर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, तो ल्यूकोप्लेकिया हो गया, तो बहुत डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है स्ट्रेस का, एक्सेप्ट लाइकेन प्लानस जिसमें स्ट्रेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी चीजों में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल स्ट्रेस क्योंकि एक फैक्टर होता है कैंसर कॉज करने के लिए, तो हमें जितनी भी प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं उसमें बार बार हम लोग पढ़ के ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे पढ़ के अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन सारे कंडीशंस को कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग अधिकतर बहुत सारे केसेस में भी पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, इटियोलॉजी नहीं होती है, कभी स्मोक नहीं किया है, अल्कोहल नहीं लिया, कोई और हैबिट नहीं है गुटखा खाने की, एंड स्टिल आपको बर्निंग होती रहती है, तो ऐसे केसेस में हम लोग बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो होता है वो पेशेंट के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह में जलन हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जब हमारा कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे हम मल्टी विटामिन देते हैं बर्निंग के लिए या फिर हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं कुछ केसेस के में, एंटी फंगल्स देते हैं, डिपेंडिंग आपके मुंह में जलन किस वजह से, किस कारण की वजह से हो रही है, या एंटीवायरल देते हैं अगर आपको ये वायरल इन्फेक्शन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपका कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है और बर्निंग में कोई भी इटियोलॉजी नहीं होती है, पर्टिकुलर कारण नहीं होता, ऐसे केसेस में हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। तो मेन चीज समझने की ये है कि बहुत सारे कंडीशंस में मुंह की जलन में आपको स्ट्रेस जो है वो अपना रेगुलेट करना है, आपको बार बार इधर उधर डॉक्टर बदलने से या फिर आप ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, वो ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेस जो है वो रेगुलेट करना है, तभी आपको जो भी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यानी जलन के लिए शायद कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि जलन को कम करता है, दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको कम करता है, या फिर आपको अगर आपका किसी तरीके से विटामिन लेवल्स कम है कुछ तो मल्टी विटामिन दिए जा रहे हैं, बट ये सारा सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है। अगर आप अपना स्ट्रेस कम नहीं करेंगे तो आपके मेडिकेशन भी जो 100% काम करते हैं वो 80% काम करेंगे, जो 80% काम करते हैं वो 30-40% काम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम बार बार डॉक्टर ना बदलें और हम लोग जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करके और हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करें। So that brings us to the end of the video. So if you have liked the video, do hit the like button and don't forget to share and subscribe. And thank you so much for watching. Thank you.